फ्रेंड आपका स्वागत है सूर्यकांत टेक्निकल गुरु हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस गाड़ी का इग्निशन लॉक जो है चेंज करने वाले हैं। उसे चेंज करने के लिए यहाँ से पूरा जो पैनल है हमने निकाल दिए हैं, जो पैनल रहता है आगे का उसको निकालने के लिए यहाँ से यहाँ पे एक स्क्रू रहता है और यहाँ पे एक स्क्रू। तो ये पैनल हम गिज के इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, जहाँ की इसकी लॉक रहती है। यहाँ पे दो देख रहे हो आप, लॉक है, लॉक यहाँ पे फंसे हुए रहते हैं, निकालना पड़ता है इसे गिज के। ओके, तो लॉक इस तरह, तो फ्रेंड लॉक इस तरह चेंज करेंगे। तो ये जो कपलिंग है हमने निकाल दिया है, जो कपलर था वो निकाल दिया है, और यहाँ पे स्टार का देखो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इस तरीके का हमें स्क्रू ड्राइवर लगेगा, और यहाँ पे नीचे में भी एक इसी तरीके का स्क्रू रहता है, और इसके पीछे में एक 10 नंबर का बोल्ट रहता है। ओके, जब हम ओपन करेंगे तो आपको दिखाने का, पहले ये स्क्रू हम ओपन कर लेते हैं। उधर के नीचे वाला भी इस तरह से स्क्रू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जो शटर हुआ है, ये शटर यहाँ पे फंसा हुआ, तो वो शटर निकालने के लिए हमें यहाँ से जो स्क्रू है वो निकालना पड़ेगा, ताकि हम इसे पीछे के साइड ले और ये यहाँ से स्क्रू हम निकाल सकें। तो फ्रेंड हमने यहाँ से स्क्रू निकाल दिए यहाँ से, देखो दोनों साइड के यहाँ के स्क्रू निकाल दिए, ताकि ये जो पैनल है हम पीछे घिस सके, और यहाँ पे ये 10 नंबर का बोल्ट है वो भी निकाल लेते हैं। ये भी बोल्ट हम निकाल लेते हैं। आसानी से जो है ये चेंज कर सकते हैं। बस इसका लॉक हम इसे पीछे लेंगे। अभी देखो आप इस तरह के, देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो हाँ कि आपको 10 नंबर का बोल्ट दिख रहा होगा, इसे हमको निकालना है। तो फ्रेंड देखो यहाँ से हमने यहाँ से इसे झुका के टी की मदद से इसे ओपन कर दिया है। अभी हाथ से इसे ओपन कर देंगे। इस तरह से हम जो ये लॉक निकाल सकते हैं, तो इग्निशन लॉक इस तरह से बाहर आ जाता है। अब हम नया इग्निशन लॉक इसमें फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने मार्केट से देखो इस तरह के मिंडा कंपनी का ये इग्निशन लॉक खरीद के लाए, जिसकी MRP 661 रुपये इसकी MRP है। आप देख पा रहे होंगे 661 रुपये इसकी MRP है। तो इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है ओपन करते हैं। ये पॉइंट चेक कर लें, पुराना वाला और नया वाला जो पॉइंट रहता है वो चेक कर लें, 2 पॉइंट वाला है या 3 पॉइंट वाला है। ओके, कोई इसमें 4 पॉइंट रहता, 3 पॉइंट रहते हैं इसमें, तो ये चेक करके मार्केट से खरीद के ला लें। ओके, तो ये हमारा लॉक हो गया। ओके, तो हमें इस तरीके का इग्निशन लॉक मिलता है, और ये इग्निशन लॉक का जो है ये शटर, ओके, जो शटर होता है, ओके, यहाँ पे एक पुश बटन भी दिया है जिससे कि ये शटर लॉक होता है। ओके, यहाँ का जो पहले पुराने वाले इसमें इस तरीके का था, देखो ये पॉइंट उसमें नहीं है, ये नया है देखो। तो इसमें पुराने वाले में इस तरीके का था, और नए वाले में इस तरीके का पुश वाला है। अब दिखा देते हैं किस तरह से वर्क होता है। देखो इसे ओपन करते हैं, अभी देखो ये शटर का लॉक ओपन हो गया, इसे शटर लॉक हो जाता है। ओके, उसके साथ में हमें ये सीट लॉक ओपन करने के लिए इस तरह से लॉक मिलता है, उसे भी फिट कर देंगे। और ये दो स्क्रू, ओके, इग्निशन लॉक फिट करने के लिए इस तरह से दो स्क्रू भी हमें साथ ही मिलते हैं। तो चलो फ्रेंड हम इसे फिट करेंगे अभी। तो फ्रेंड इसे फिट करते हैं, अभी हम इसे साथ में लेके ही इस तरह से फिट करेंगे। Thank you.
तो टाइट कर देते हैं अभी। ये शटर को कर दी है, यहाँ पे जो बोर्ड निकाले थे हमने इसे भी लगा लेते हैं। और ये दो स्क्रू है वो भी हम लगा देते हैं इस तरह से। पहले फिर करो उनको यूट्यूब अच्छे तरीके से इसे टाइट कर देते हैं, बाद में इग्निशन ऑन करके देखेंगे। या ये इसका जो कपलर निकाले थे हमने ये लगा देते हैं। तो अभी आते हैं गाड़ी के पास। तो हम इसे ऑन करते हैं। तो देखो स्पार्क का जो ओरिजिनल मिंडा कंपनी का रहेगा तो इस पर इस तरीके का लिखा होता है स्पार्क मिंडा। ओके स्पार्क लिखा होता है इसमें। तो इग्निशन वाला चेंज करने वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।